आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। One and all. Now here the given question is, construct the following angles using a set square 45 degree, 90 degree, 60 degree, 105 degree, 75 degree and 150 degree. हमें यहाँ पे 6 मेजरमेंट दिए हुए हैं और बोला है कि सेट स्क्वायर से हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें सेट स्क्वायर कैसे हैं वो देखना है। देखो हमारे पास दो टाइप के सेट स्क्वायर रहते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइप। अब ये जो सेट स्क्वायर है इसमें जो ये एंगल रहता है दिस इज नथिंग बट यूर 90 डिग्री एंगल, और ये दो एंगल जो रहते हैं दैट इज नथिंग बट अ 45 डिग्री एंगल। ये क्या है 45 का, और ये क्या रहता है 90 डिग्री वाला एंगल रहता है। और दूसरा सेट स्क्वायर हमारा रहता है ये वाला, देखिए। अब ये वाले सेट स्क्वायर में क्या रहता है, अगेन दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, ये वाला जो रहता है दिस इज योर 60 डिग्री एंगल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री एंगल, और ये जो है ये रहता है आपका 30 डिग्री एंगल। सो बाय यूजिंग दिस टू सेट स्क्वायर नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट योर द गिवन एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, पहले 45 डिग्री पहले ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मैंने बना लिया। अब मुझे बनाना क्या है 45 डिग्री, तो बेसिकली मैं कौन सा वाला सेट स्क्वायर यूज करूंगी, वी विल यूज दिस टाइप ऑफ, ये वाला सेट स्क्वायर ये यूज करना है। इसे यहाँ पे रख दो और जस्ट ड्रॉ एन एंगल, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। और यहाँ से हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, अगर मैं हटाऊंगी तो आपको दिखेगा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो आप ऐसे रख लो, आइदर यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ अ स्केल, आप स्केल का हेल्प ले लो तो उससे आपकी लाइन क्या होगी सीधी होगी। आपके सेट स्क्वायर को पहले सेट कर दो, सेट कर लिया उसके बाद यहाँ पे क्या करना है स्केल रखना है। देखो स्केल रख दिया मैंने, अब ये सेट स्क्वायर हटा दो एंड जस्ट ड्रॉ एन एंगल। तो ये जो मिल गया हमें दिस इज अ 45 डिग्री एंगल, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल हो गया। हम नेम दे देते हैं ए बी सी, सो दिस इज अ 45 डिग्री एंगल। नाउ सेकंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 60 डिग्री एंगल। तो 60 डिग्री एंगल के लिए अगेन वी विल टेक वन लाइन हियर, एक लाइन ले लेते हैं पहले, ठीक है। अब बोला है 60 डिग्री, तो ऑफकोर्स वी आर नॉट यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेट स्क्वायर। अब हम कौन सा सेट स्क्वायर यूज करेंगे, तो हम लोग ये वाला सेट स्क्वायर यूज करेंगे। यहाँ पे है हमारा 60 डिग्री, यहाँ पे प्लेस कर दो लाइन पे, एकदम अच्छे से उसे प्लेस करना है। अगेन टेक अ हेल्प ऑफ अ स्केल, स्केल यहाँ पे रख दिया, स्केल यहाँ पे रख दो। और देखो यहाँ पे जो सेट स्क्वायर उसे मैच करो, इसे प्रॉपर कहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है आ गया। सेट स्क्वायर को हटा दो, जस्ट ड्रॉ द एंगल। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर 60 डिग्री वाला एंगल, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। अब इसे नेम दे दो एंगल को, दिस इज योर पी क्यू एंड आर। नाउ थर्ड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, सॉरी सेकेंड वन था 90 डिग्री एंड थर्ड था 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे पहला ये वाला जो ड्रॉ किया है दिस इज नथिंग बट अ 45 डिग्री वाला एंगल, ये वाला है 45 डिग्री वाला, ये है मेरा थर्ड वन वाला। अब मैं सेकेंड यहाँ पे करती हूँ, देखो सेकेंड क्या था 90 डिग्री एंगल। तो सिंपल है, आप दोनों में से कोई भी एक सेट स्क्वायर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे रख रही हूँ मेरा, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया लाइन बेसिक। नाउ वी हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल, तो आपके सेट स्क्वायर को देखो ऐसे प्लेस करना है। थोड़ा सा मैं नीचे ले रही हूँ जिससे मेरा लाइन ड्रॉ करने में इशू ना हो, जस्ट जॉइन इट। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो सीधा परपेंडिकुलर लाइन, सो दिस एंगल इज नथिंग बट योर 90 डिग्री एंगल। अब इसे हम नाम दे देते हैं ये पी, अगेन हम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं एस टी यू दे देती हूँ। ओके, तो दिस इज योर 90 डिग्री एंगल, ये हमारा था सेकेंड वन। नाउ फोर्थ वन इज अ 105। अब देखो फोर्थ वन 105 है, तो 105 कैसे ड्रॉ करना है। सो नाउ वी नो दैट 105 डिग्री मुझे बनाना है, तो मैं इसे 60 प्लस 45 ऐसे लिख सकती हूँ। सो क्या करना है हमें 105 ड्रॉ करने के लिए, बेसिकली हमें यहाँ पे दो सेट स्क्वायर का यूज करना है। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हमारी बेस लाइन ये ड्रॉ कर ली। ओके, अब हमें बोला क्या है 105 डिग्री बोला है ना, तो अब देखो हमारा पहले ये वाला सेट स्क्वायर दिख रहा है, ये 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, ये रख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करेंगे 45 डिग्री वाला, ये हो गया 60 डिग्री, अगर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की तो ये मेरी क्या होगी 60 डिग्री एंगल बन जाएगी। और अब क्या करेंगे एग्जैक्टली, अब आप यहाँ पे रख दो 45 डिग्री वाला एंगल, दिख रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, ज्वाइन कर लो, ये था मेरा इतना एंगल जो है, अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ, देखो ये जो एंगल है दिस इज अ 60 डिग्री एंगल, और ये वाला एंगल क्या है 45 डिग्री। तो अगर आपने ऐसे यहाँ से अब ज्वाइन कर लो, ओके अब ये हटा दो सेट स्क्वायर, तो ये एंगल जो आपको यहाँ पे मिला है दिस इज नथिंग बट 105 डिग्री वाला एंगल। चाहिए तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टर से इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैं आपको शो करती हूँ। नाउ वी विल प्लेस ओवर प्रोटेक्टर ओवर हियर,
देखो दिस इज नथिंग बट एग्जैक्ट यूर 105 डिग्री, 100 नहीं है, 105 डिग्री वाला एंगल. ओके सो नाउ यूजिंग दैट टू सेट स्क्वायर, यहाँ पे हमने दो सेट स्क्वायर का यूज करके इसे ड्रॉ कर लिया. तो अब इसे हम अगेन नेम दे देते हैं, दिस इज ए बी एंड सी. नाउ व्हाट इज योर फिफ्थ वन था हमारा, फिफ्थ वी हैव टू ड्रॉ 75 डिग्री एंगल. तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 45, एडिशन ऑफ 30 प्लस 45 वुड बी 75. तो अब हम क्या करेंगे, बेस लाइन पहले ड्रॉ करते हैं. देखो यहाँ पे मैंने बेस लाइन ड्रॉ कर ली. अब लेना है 30 और 45, तो ये मैंने यहाँ पे रखा मेरे सेट स्क्वायर को. ये देखो आप कह सकते हो मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ मेरा 30 डिग्री वाला एंगल, 30 डिग्री एंगल बनाना है ना, तो मैंने ये 30 डिग्री एंगल यहाँ पे रख दिया. अब मुझे रखना क्या है, 45 डिग्री एंगल. तो मैंने 45 डिग्री रखा यहाँ पे, ठीक है. तो 30 और ये 45, थोड़ा सा मैं लाइन के नीचे ले रही हूँ बिकॉज वाई, ठीक है लाइन के नीचे नहीं लेते हैं, हम स्केल का यूज़ कर लेंगे. देखो ये था क्या है, ये 35 और ये क्या है 45. अब हमारी स्केल यहाँ रख देते हैं ओवर लाइन, लाइन के ओवर, और ये दोनों सेट स्क्वायर को मेरे हटा लेती हूँ, जस्ट जॉइन इट विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल. तो ये मिल गया आपको यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल, और इसे नेम दे दो आप पी क्यू एंड आर. मिल गया 75. नाउ द लास्ट वन विल बी 150 डिग्री. अब देखो यहाँ पे लास्ट बोला है हमें, दैट इज द सिक्स्थ वन, 150 डिग्री. तो 150 को हम कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 60. ओके 90 प्लस 60 विल बी 150. तो अगेन फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ बेस लाइन, ड्रॉ कर ली. अब लेना क्या है हमें, 90 एंड 60. तो बेसिकली मैं सबसे पहले यहाँ पे 90 ले लेती हूँ. 90 मतलब आपकी आएगी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है. ये मैंने रख दिया यहाँ पे 90 डिग्री वाला स्ट्रेट परपेंडिकुलर. अब मुझे क्या लेना है, 60 लेना है. तो 60 वाला एंगल कौन सा है, देखो अगर मैं ऐसे रख रही हूँ तो अगेन वो कैसे जाएगा, या फिर आप पहले 60 रख लो. ये देखो यहाँ पे 60 रख दिया. अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है. तो 90 मतलब वो सीधी लाइन होनी चाहिए आपकी. देखो यहाँ पे मैच करना है आपके दोनों सेट स्क्वायर को 90 डिग्री के लिए. तो ये मैंने 90 वाला एंगल यहाँ पे रख दिया अपने सेट स्क्वायर का, ठीक है. देखो यहाँ पे है, अब बता रही हूँ मैं, दिस इज़ अ 60 और ये कंप्लीट एंगल इतना है 90. तो आपकी लाइन कैसे जा रही है, लाइन विल बी हियर. ओके ये है आपका. तो आप जस्ट जॉइन इट, इसे जॉइन कर लो और सेट स्क्वायर हटा दो. तो देखो ये एंगल मिल गया आपको 150 डिग्री का. इसे नाम दे देंगे एस टी, यहाँ पे लाइन है एस टी यू. सो दिस इज़ अर 150 डिग्री एंगल. सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स बाय यूजिंग अ सेट स्क्वायर. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.